हमें माफ करना दीपिका। अंकल जी नहीं, तुम हमें पिता समझती हो और हम है कि इस बेटी पे भरोसा ही नहीं किया हमने, लेकिन अब हमारी गलती की भरपाई हम करेंगे। तुम्हें हमारे घर की बहू बना के पिता की हैसियत से कह रहे हैं, रिश्ता फिर से जोड़ लो। तुमसे अच्छी बहू हमें नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे हैं? आप जब चाहो पूंछ पकड़ के घुमा दीजिए, जब चाहे चारा दे दीजिए, हम इसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। हाँ भाभी, भाभी प्लीज पीयूष भैया को हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। दीपिका अब जब सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं, तो प्लीज मान जाओ। नहीं, माफ कीजिए अंकल जी, पर हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। अभी हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है अंकल। पापा अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और इन पर तो केस भी चल रहा है। इससे में हम अपनी शादी की खुशियां नहीं मना सकते। जब तक पापा निर्दोष साबित नहीं होते, हम तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते अंकल। तो सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हम शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। वाह बेटा वाह, तुम्हारे इसी खुददारी ने हमारा दिल जीत लिया आज। हाँ भाभी, आपके जैसी बेटी तो हर घर में होनी चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेटा हम जब भी तुम्हारी तरफ देखते हैं ना, हमारी छाती छप्पन की हो जाती है। गर्व से चौड़े होके घूमते हैं हम। बेटा तुम हमारे साथ जो हुआ उसकी सजा हम तुम्हें नहीं दे सकते। नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, तुमको कैसे सजा देने। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो उसको निपटाने में तो बरसों लग सकते हैं। नहीं बेटा, उसके लिए तुम अपनी शादी मत रोको। नहीं पापा, हम जानते हैं ये सब रमाकांत ने किया, तो इसलिए जब तक रमाकांत जेल नहीं चला जाता, तब तक हम भी ससुराल नहीं जाएंगे। तो ससुराल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि रमाकांत के बारात हम निकाल चुके हैं। अंकल जी, ये रहा आपको गुनाहगार। तो बको जो रायता फैलाए हो। ए, अबे बको नहीं तो थाने ले जाके फिर अलग से कूट देंगे, समझे? हम बताते हैं मिश्रा जी, उनकी बेटी और उनके पूरे परिवार ने हमारी सबके सामने बेइज्जती की। हम मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब और कैसे इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लें। और फिर एक दिन मिश्रा जी ने जिंदगी भर इज्जत से पैसे कमाए, इसलिए अब बेटी की शादी में दहेज देना है तो जेब खंगाल रहे हैं। कितने पैसे चाहिए? कह रहे थे कि 40-50 लाख रुपए का लोन चाहिए। हम आते हैं आपके ऑफिस, पूरे 50 लाख। बस आप क्वेश्चन पेपर तैयार रखिएगा। और ये बात हम अच्छे से जानते थे कि प्रिंसिपल साहब कभी पर्चे नहीं बेच सकते, और यदि ये पर्चे नहीं बेचते तो हम इनका वीडियो कैसे उतारते। इसलिए हमने पीएन को पैसे देकर
मिश्रा जी को फंसाने के लिए बोल दिया। अबे माफी मांगने के लिए अलग से बोले का? माफी मांगो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है मिश्रा जी, हमें माफ कर दीजिए। बूर किसको रहे बे? चलो कटो, चलो थाने लेके निकलो इसको, चलो 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 चलो। जानते थे हमारे पापा ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, इस सफेद कोट का तो हम अलग से लिखित बयान लेंगे और उसकी एक कॉपी आपके स्कूल के ट्रस्टी के ऑफिस में भिजवा देंगे, ताकि आपकी खोई इज्जत और आपकी नौकरी दोनों आपको वापस मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तनी बेटा हम ये तुम्हारा इतना बड़ा एहसान कैसे चुका? अंकल जी आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उनका। थैंक यू कुणाल जी जो। हमको थैंक यू मत बोल दीपिका, अगर किसी को बोलना है पीयूष को बोलो। इस स्टोरी का असली हीरो पीयूष है। वो कहा है कि पीयूष को प्रिंसिपल साहब की ईमानदारी पे पूरा भरोसा था, उसने खुद ही पीयून की मरम्मत कर दी। पता नहीं कहा घुट्टी पिलाई उस पीयून को कि साला सच की उल्टी करने लग गया। बस फिर कहा था हमने लपक के धर लिया रमाकांत को। हैं बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आजकल कहा कोई करता है किसके लिए इतना। अरे नहीं नहीं अंकल जी, सच में हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबे रहे। नहीं अंकल जी, हमने तो बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। अंकल जी वो क्या है ना, किसी ने हमसे कहा कि चाहे कुछ हो जाए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, तो हमने बस वही किया। आज तो हमारी छाती भी चौड़ी हो गई है। हमारी बेटी की वजह से, थोड़ा कुरेद दिया तुमने। वैसे बाबूजी हमने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया, हमने तो बस सच का साथ देने की आदत को फिर से जिंदा कर दिया और कुछ नहीं। यही तो खासियत है तेरी, नेकी भी कटा दरिया में भी बहा देता है, इसलिए तो सबसे अलग है ना मम्मी? बिल्कुल। अब जब पीयूषी की वजह से सच सामने आ ही गया है और हमारे बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई है, तो हम पीयूषी से एक सवाल करना चाहते हैं। हमसे शादी करेंगे पीयूषी? अरे इस मोटे राम को पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम सभी जानते हैं इसका जवाब। हाँ ये है इसका जवाब। हमें माफ कर दीजिए पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दिल से आपसे माफी मांगना चाहते। रागिनी जी, अब जब रिश्ता फिर से जुड़ गया है तो सगाई की अंगूठियां भी बदल ले। जी जी, मैं भी लेके आती हूँ जी। योश, बेटा दे, बना दे। हाथ बढ़ाओ आगे हैं। हमें ना पता था फिल्मों की तरह ना रियल लाइफ में भी हैप्पी एंडिंग ही होती है। मिश्रा जी आज्ञा दीजिए, अब हल्दी मेहंदी शादी सभी की तैयारियां करनी है ना। और दिन्ने, तू पूछ रहा था ना हमसे कि क्या रह गया है जो मैं लेने आया हूं, तो हाँ रह गया है, धूमधाम से बारात लेकर आएंगे और ले जाएंगे। बिल्कुल सही। जी जी, चलिए 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 मेरा बच्चा। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, वरना शादी में तो इंडिया पाकिस्तान के मैच जैसी टेंशन हो गई। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ताई जी क्या गजब देख ली ना, मतलब यहाँ रिश्ता टूटा नहीं और उन्होंने दूसरा लड़का भी बुला लिया शादी के लिए। मम्मी, शादी हल्दी मेहंदी सबकी तैयारी करनी है ना, आप पहले से ही बता देना क्या क्या करना है, ठीक है? हमें क्या पूछ रहे हो, बुआ को पूछो ना, सारे रीति रिवाज वो जानते। नहीं माधुरी, सब लोग कान खोल के सुन लो, प्रज्ञा शादी के किसी भी समारोह में शामिल नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? अब लड़के की बुआ है? मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज से, अभी से मेरा और इसका कोई संबंध नहीं। बात खत्म। अब सुनिए तो, इतने कठोर मत बनिए ना, बहन है आपकी। किसकी पैरवी कर रही हो तुम? इसकी? आज तक इसने सीधे मुंह बात तक नहीं की तुमसे। मैं सब समझ रहा था लेकिन अनदेखा करता रहा, लेकिन आज जो इसने किया है ना, इसे अनदेखा नहीं कर सकता। आज सबके सामने कहता हूं, तुम सही थी और ये गलत। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।